पोलो से लेके इलेक्ट्रिक्स का काम हो रहा है और पानी का भी यही मामला है। तो ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आइडेंटिफाई की हैं यहाँ काम के हवाले से, जो भी हुकूमत वक्त है जो देख रहा है वो इस पर नज़रसानी करें और देखें। बाकी आप देख सकते हैं ये मशीन आई हुई है, ये बेसमेंट बनाने के लिए जो है ये क्या कर रही है, ये जो कर रही है सीमेंट डाल रही है इसके अंदर, और बड़ा टेक्निकली किस्म से यहाँ काम हो रहा है आप देख सकते हैं। और जिसे आप ये बैरियर देख रहे हैं, बैरियर ये जो इन्होंने लगाया हुआ बैरियर, ये इस तरह की और बैरियर इनको लगाने चाहिए थे मगर लगी हुए नहीं है। ये लोगों ने अपनी मदद आपकी तरफ करके ये हुए। आप हशर देखिए यहाँ कचरे का, कचरा कितना यहाँ पड़ा हुआ, कचरा उठाने वाला कोई है नहीं। खैर ये बात तो है, कचरा उठाने वाली ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वालों के हवाले से है, मगर जो काम हो रहा है उसके लिए हम आपसे बोलेंगे काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप देखते हैं रात के इस पहर में भी ये मशीन पूरी आई हुई और ये बेसमेंट बना रहे हैं, पूरा ये पूरा बेसमेंट बना रहे हैं और तरीके से काम कर रहे हैं। ये कोई एमकॉन कंपनी की जो है मशीन आई हुई है जो कि काम कर रही है। अब कर क्या रही है आप देख सकते हैं कि ये पाइप जो है वो जाएगा और जाने के बाद जो है वो क्या चीज़ लेगा ये मैं भी देखता हूँ। ये मशीन जो है मैंने अभी देखी, पहले ये मशीन मैंने देखी नहीं थी यहाँ, और मैं भी अभी ये मशीन फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और इस मशीन से ये क्या कर रहे हैं अभी इसका अदराक मुझे नहीं है, अभी मैं भी देख रहा हूँ कि मशीन से कर क्या रहे हैं। ये देखें ये मेकाल से नीचे लेके जा रहे हैं और ये शायद मिट्टी लेंगे और मिट्टी को जो है ये खुद ही सीमेंट में कन्वर्ट करेगी और शायद ये वहाँ लेके जाएगी, मगर ये दिख रहा है कि हो क्या रहा है। तो नई नई चीज़ें पता चल रही हैं, जाहिर सी बात है नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं तो लोग यहाँ काम अच्छा कर रहे हैं, जो काम अच्छा हो रहा है उसको हम अप्रिशिएट करेंगे और हमेशा से हम अप्रिशिएट करते हुए आए। हाँ जहाँ लूप होल्स हैं वो हम दिखाते हैं और बताते हैं, और हमारा काम है बताना, क्योंकि हम ये अकाउंटेबिलिटी करेंगे, हम नहीं बताएंगे अकाउंटेबिलिटी के लिए तो हुकूमत वक्त जो अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है कौन करेगा। तो हमारा काम है बताना और किसी को क्रिटिसाइज़ करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ है कि काम हो। कराची आगे जाएगा तो यकीनन मुल्क आगे जाएगा, और कराची में काम होना, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना एक खुश आइन बात है। ये मेरे ख्याल से शायद ये मिट्टी को ले रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, खैर बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि तीन लोग, दो एक बंदा जो है इसको ऑपरेट कर रहा है, यानी आप देखिए इस एक मशीन ने जो है तकरीबन 100 लोगों का जो काम था वही अकेले ये मशीन कर रही है और उसका सिर्फ एक ऑपरेटर है। तो जो मज़दूर बेचारे काम कर रहे होते हैं उनका खैर रोज़गार का मामला हुआ है, मतलब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। जो इस मशीन को चलाने वाला होगा उसकी सैलरी भी अच्छी होगी यकीनन, और उसकी एक डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो मगर यह एक अलार्मिंग कंडीशन ये है कि यहाँ जितने भी मजदूर हैं वो प्रॉपर कॉस्ट्यूम नहीं पहने हुए, किसी के पास जो है गैजेट्स नहीं पहने हैं, किसी के पास कैप नहीं है, किसी के पास शूज़ नहीं है, चप्पलें घर की पहने हुई हैं। तो इनको चाहिए कि इनको कॉस्ट्यूम प्रॉपर दें। अब ये कर क्या रहा है ये मशीन, ये मुझे भी इसका अंदाज़ा नहीं है। ऊपर आप देख सकते हैं ये ऊपर ये तार जो है, ये तार को लग रहा है ये, और तार टूट भी सकता है, और वो तार जो है वो पोल पे लगा हुआ है इलेक्ट्रिक के। हाँ लाला तार तार, हेलो तार तार, ये देखिए तार जो है वो इलेक्ट्रिक का है, पता नहीं किसका है, पता नहीं है, पोल गिर सकता है, बहुत बड़ा मामला हो सकता है। और इसी के नीचे मैं खड़ा हुआ हूँ, थोड़ा साइड में हो जाऊँ तो बेहतर हो जाएगा, मगर ये कि ये बताने के काम थोड़े दिन की होते हैं, अगर रात में हो रहे तो यहाँ प्रॉपर जो है अगर मजदूर हो बताने वाले तो मसला ना हो। आप देखिए सामने ये पोल, ये तार जो पूरा इलेक्ट्रिक का तार जा रहा है, और कोई बड़ा हादसा हो सकता है, उसको आवाज़ दी है मैंने लाला करके कि भाई ऊपर तार है, मगर बात सारी है कि मैं साइड में हो जाऊँ, मैं बड़ा साइड में हो गया हूँ, मगर ये कि एक अलार्मिंग कंडीशन है कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और देखिए ना हर चीज़ का प्रोटोकॉल होता है, यहाँ बताने वाले होते हैं, करने वाले होते हैं, वो बेचारा अकेले अगर नीचे बैठा हुआ है तो उसको ऊपर का नज़र नहीं आ रहा। अब मैं अगर ऊपर खड़ा हूँ तो यहाँ ऊपर कोई बंदा उसके साथ सपोर्ट में होना चाहिए ना, जो लोगों साइड में करे, ऊपर तार देखे, कोई इलेक्ट्रिक का तार ना हो, भूले से किसी पोल पर ना लग जाए, पोल पर लगेगा तो तार टूट सकता है। देखिए ना अभी तार जा रहा है सामने, अभी तार है ये टूट गया, केबल का तार है, और वो केबल का तार वो इलेक्ट्रिक के तार पर लगा हुआ है, वो इलेक्ट्रिक के तार से लगेगा तो करंट जाएगा इस पोल के ऊपर,
इस पोल को कोई छू लेगा तो करंट उसको लग जाएगा। तो ये मामला जब मैं देख रहा हूँ